धीरे धीरे समाज कॉम्प्लिकेटेड हुआ। ऋग्वेदिक काल में सिंपल समाज था, जो ऋग्वेद के अनुसार है। सोसाइटी रिलीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और ऋग्वेदिक काल पशु आधारित अर्थव्यवस्था है ना, पशुचारी है, पेस्ट्रोल इकोनॉमी है। पेस्ट्रोल इकोनॉमी होती है वो स्टेबल इकोनॉमी नहीं होती है, और इसीलिए पशुओं का लूट मार, पशु ही धन था। गोधन वर्ड है, पशु ही धन है। गोमत हम लोग पढ़ेंगे जब वैदिक, तो गोमत यानी धनी आदमी है। तो ऋग्वेद में देखिएगा कि ऑल द वर्ड्स आर इमिनेटिंग फ्रॉम गाय, क्योंकि उस पीरियड में गाय का सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, तो आगे चलकर गाय का जो वैल्यू होगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, देन आदमी चूंकि थोड़ा इधर उधर होता है तो तब रिलीजन जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उस समय के लोग जानते होंगे कि हाँ, रिलीजियोसिटी जहां अटैच होगा लोग उसको ज्यादा वैल्यू करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लोगों पर दबाव डालने का भी स्कोप नहीं था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें कृषि का महत्व बढ़ा, और जब कृषि का महत्व बढ़ा तो उत्पादन फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, तो आय होने लगी। गाय में है कि हमको 10 को गाय है, हम दो भाई हैं तो 4 भाई वाला छीन के लेंगे तो बिना गाय के हो गए, लेकिन जमीन जब रहेगा, कृषि का उत्पादन होगा तो वो कृषि का अन्न हमारे घर आएगा, और जब कोई सिस्टम हमको बचाएगा तो उसी में राजा का पद धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो राजा ऋग्वेद में पशु की रक्षा करता है, इसीलिए गोप है, गोपति है। ऋग्वेद में राजा गोपति है, गायों का रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। तो गोपति शब्द जो डेवलप होता है वह गायों का रक्षक है राजन। राजन का ऋग्वेद में दो ही काम है, दूसरे के गायों को लूटने के समय नेतृत्व देना, और अपने गायों को बचाने के समय अपने कबीले का नेतृत्व करना। और ज्यादा काम उस पीरियड में नहीं है, लेकिन जब जमीन आ गया और कृषि होने लगा तो अब आपका धन तो जमीन हो गया, अन्न हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि हम तुम्हारे जमीन का रक्षा करेंगे, इसलिए जब राजा का आगे कर्तव्य आ गया तो अपनी सीमा की रक्षा करना उसी से निकलेगा, है ना। तो सीमा का अपना जमीनी का ना रक्षा कर रहा है, तो राजा ने कहा कि हम जमीन का रक्षा करेंगे इसलिए हम तुमसे कर लेंगे। लोगों को लगा कि ठीक है, हमारा धन तो सुरक्षित रहेगा ना, थोड़ा कर ले लो, तो कर ले लिया। अब समाज का जीवन भी रेगुलेट होना चाहिए। जब हम एक जगह रहेंगे, अब जमीन है तो जमीन तो सिर पर उठा के उधर नहीं जाएगा, तो एक जगह रहने वाले समाज के लिए सामाजिक संबंधों का निर्धारण जरूरी होता है। और सबसे पहले कि कौन किससे ब्याह करेगा और कौन किससे ब्याह नहीं करेगा। ऋग्वैदिक काल में केवल एक विवाह है और वो है गंधर्व विवाह। ऋग्वैदिक काल में केवल और केवल एक विवाह है, गंधर्व विवाह है, तो लव मैरिज का अर्लीएस्ट फॉर्म है। तो गंधर्व विवाह जब है, गंधर्व विवाह जो है इंडिविजुअल फैसला किया, है ना, दो आदमी ने 1+1 ने फैसला किया, यहां पर समाज का कोई रोल नहीं है। द सोसाइटी हैज नो रोल टू प्ले इन योर अरेंजमेंट। आपका मन किया ब्याह करके निकल गए। तो ऋग्वैदिक काल में सोशल स्टेबिलिटी आर्यों में नहीं थी, क्योंकि पेस्ट्रोल इकोनॉमी थी, पशु आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो पशु का आहार जहां मिलेगा दे विल मूव, तो दे विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जहां घास और पानी मिलेगा दे विल मूव, लेकिन जमीन तो उठा के नहीं ले जाएंगे। ऐसी जमीन हुआ
सोशल स्टेबिलिटी हुई और तभी उत्तर वैदिक काल में 8 तरह का विवाह हो गया। क्यों कैसे आ गया? तो बिकॉज जब एक समाज रहेगा वहां पर जब लोग रहेंगे तो उन लोगों के आपसी संबंधों का निर्धारण जरूरी होगा, सोशल स्टेबिलिटी विल बी रिगेन्ड। और देखिए कि उत्तर वैदिक काल में 4 स्वीकृत विवाह हैं और 4 अस्वीकृत विवाह। विवाह ही देखिए पहले कि गंधर्व विवाह नंबर 1 में अस्वीकृत विवाह हो गया, ये 5वां विवाह है। 6ठा विवाह राक्षस है, 7वां विवाह असुर है और 8वां विवाह पैशाच है ना। जो 4 स्वीकृत विवाह है, ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, अर्थ विवाह है और प्रजापत विवाह है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे सामाजिक जीवन में भी डिटेल में पढ़े रहिए। लेकिन यहां गंधर्व विवाह अस्वीकृत विवाह में जो विवाह ऋग्वेद में एकमात्र स्वीकृत विवाह, देख किस तरह से सोसाइटी डेवलप करता है ना। तो बिकॉज इंडिविजुअल्स डिसाइडेड, देयर इज नो रोल ऑफ द कलेक्टिविटी, समाज की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जब स्टेबल हुआ, जब समाज की भूमिका आएगी तो इंडिविजुअलिटी सबॉर्डिनेटेड होगी, फैसला तुम अकेले नहीं करोगे, परिवार करेगा और लोग करेंगे। इसीलिए विद इन कम्युनिटी विवाह नहीं होगा है ना। और इसीलिए फिर गोत्र शब्द आता है। देखिए जो लोग भी जो करें, क्योंकि बहुत सारे विवाह फालतू के होते हैं, जिनको समझ नहीं है, बकवास करना ही एक बात आदत होता है। गोत्र निश्चित रूप से रियल नहीं होता है, इट इज नॉट रियल। पहले ब्राह्मणों के गोत्र थे, ब्राह्मणों ने अपने गोत्र फिर क्षत्रियों को दिए, लेकिन उसमें उसका वैल्यू नहीं। क्यों? गोत्र सामाजिक सिस्टम में लाया गया। मतलब ये है, इसका सबसे बड़ा मतलब है, देखिए गोत्र ऋग्वेद में विवाह और जेनियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। ऋग्वेद में गोत्र का मतलब है गायों को एकत्र जहां रखा जाए, एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो गायों को एकत्र रखेंगे क्योंकि गायों की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि गायों पर ही ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो गोधन है तो जो धन होगा उसी के ना सुरक्षा करेंगे। लड़ाई और सुरक्षा जो जिस पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण धन होता है उसके लिए होता है। आज अनाज के लिए कोई लड़ाई लड़ता है, अब ना कोई लूटेगा आपसे, आपके घर में जाएगा लुटेरा तो बोलेगा नगद कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है, न रहेगा तो आपको छपरिया घर पर न रखना है, हम चोरी कौन जगह करेंगे। अनाज रहेगा कोई न ले जाएगा। लेकिन हम ही लोगों के यहाँ थोड़ा दिन पहले तक लोग खेत में जमा अनाज और फसल काट ले जाते थे, खलिहान लूट लिया जाता था, उस समय उसका वैल्यू था। उसी तरह से इतिहास में धन का परिभाषा बदलते रहता। तो ऋग वैदिक काल में हम गायों को एक साथ रखेंगे, एक साथ रक्षा करेंगे, एक साथ लूटेंगे। तो गोत्र शब्द ऋग्वेद में गायों को एकत्र रखने के स्थान को बोले। तो दैट वॉज ऑल्सो मीट टू मेंटेन द सोशल यूनिटी, कि हम एकत्र रहेंगे तब ना लड़ेंगे किसी से। दो भाई चार भाई है तो एक दूसरे को लूटते मारते रहेगा, तो डिसाइड किया कि 10 परिवार मिलकर एक हो जाओ और हम लोग एक साथ लूटेंगे, एक साथ गायों को बचाएंगे। साउथ इंडिया में भी आप देखिएगा कि गोबर एक जगह रखने का प्रमाण मिला, तो एकत्र क्यों रखेंगे।
तो उत्तर वैदिक काल में जब गायों का महत्व खत्म हुआ और जमीन का महत्व बढ़ा और रह रहे एक ही जगह, तो सामाजिक यूनिटी कैसे होगा? यहां एक विवाह के नाम पर कितना लड़ाई हो जाता है इतिहास में। तो इसीलिए हुआ कि एक जगह रहने वाले लोग जब आपस में भाई बहन डिक्लेयर हो जाएंगे तो यूनिट का यूनिटी बचा रहेगा। जब मेल फीमेल का रिलेशन डिफाइन हो गया और यह हुआ कि यहां रहने वाले हम लोग एक ही खानदान के लोग हैं और इस गोत्र का लड़का और लड़की आपस में भाई बहन हुआ तो आपस में विवाह नहीं होगा, तो फिर उस यूनिट का एकता बना रहेगा। उस मुद्दे पर जो एक फ्रीक्वेंट मुद्दा है, हमारी एकता भंग नहीं होगी, इसलिए गोत्र को जेनियोलॉजी से जोड़ दिया। यह वास्तविक है या नहीं है वो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसने सामाजिक एकता को बनाया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मतलब है। इसलिए जो मेन मतलब है यहां है कि एक जगह रहने वाले डिक्लेयर हो गए, अब एक गोत्र के हैं, चलो लड़ाई लड़ना है, सब भाई मिलकर लड़ेंगे। तो आज भी गांव में जात खोजता है लोग, जात में इधर उधर तो गोत्र खोजता है ना, यहां चलो एक गोत्र का आदमी एक है, पट्टी हो जाता, ये हो जाता। तो दैट इज मीन टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो गोत्र वाज मीन्ट फॉर मेंटेनिंग द यूनिट ऑफ दैट ग्रुप, तो उसका ज्यादा महत्व इसमें था। और एक सामाजिक व्यवस्था भी बन गया कि समाज में इसके कारण कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना। तो उसका अर्थ वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए गंधर्व विवाह को अनएक्सेप्टेबल विवाह कर दिया गया कि भाई गंधर्व विवाह, इसमें समाज की भूमिका नहीं है। तो अगर समाज की भूमिका नहीं है तो व्यक्ति किसी का बात सुनेगा? ब्याह ही ऐसा काम है सामाजिक जीवन का। अब आपका ब्याह हो गया समाज के कहने से, तो बगल वाला अगर अपने मन से करेगा तो आप भी लाठी लेकर खड़ा करे, तू कहे अपने मन से, निकाल इसको समाज से। देयर वुड बी अ सोशल प्रेशर ऑल अराउंड। तो ये चीज समाज के महत्व को बढ़ाता है। तो हमेशा से इतिहास में है कि अगर समाज का महत्व बढ़ेगा तो व्यक्ति का महत्व घटेगा, व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा तो समाज का महत्व घटेगा। आज यही हालत है, इसमें जो मैंने ब्याह कर रहा है कोई किसी का बात नहीं सुनता है, तो अब कहा जा रहा है कि चलो ब्याह करने जाना है, पांच को आदमी लेके चलते हैं। पहले के जमाने में ब्याह करने से पहले कहा जाता था कि पांच आदमी से पूछ लेते हैं, पांच आदमी को ले चलते हैं, ब्याह करने वाले पर दबाव डालेंगे, इतना तिलक मत मांगो। अब तो तिलक उलक का फैसला अकेले करके बाद में इन्फॉर्म करते हैं, ब्याह अमुक दिन आ जाइएगा, आप किसी को पूछते नहीं है। इसलिए सोशल हारमोनी वीकेंड हुआ है। अच्छा हो बुरा हो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट देन व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये इसका यहां मतलब। और आज भी खरीद कर ब्याह होता ही है, किडनैपिंग करके ब्याह होता ही है, और मान लीजिए किसी के साथ रेप विक्टिम के साथ ब्याह किया, ये सब पैसाच विवाह है ना। तो ये है, लेकिन कहा गया कि सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना। तो इसको सोशल लाइफ में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। तो देखिए, इसीलिए जो आज हमारे जीवन में है, इन सभी का आधार, क्योंकि वैदिक काल से इतिहास कंटिन्यूअस है, इसलिए सामाजिक इंस्टीट्यूशंस का बिगिनिंग जो है वो यहीं से होता है। और इसी से सूत्र खोजा जाता है कि कोई चीज केवल आपके इम्तिहान में या किसी जीवन में केवल टर्म को नहीं जानना है, वो क्यों है, कैसे है। तो गोत्र क्यों आया, कैसे आया, गंधर्व विवाह ऋग्वैदिक काल में एक्सेप्ट एकमात्र विवाह है, उत्तर वैदिक काल में क्यों अनएक्सेप्टेबल हुआ, है ना। तो धीरे धीरे रिचुअल्स क्या थे, ये लोगों के दिमाग और जीवन पर प्रभाव जमाने के उपाय थे, है ना। अब राजा ने लोगों से कहा कि हम आपके जमीन की रक्षा करेंगे, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करेंगे, झगड़ा निपटाएंगे। तो जब डिस्प्यूट रिजोल्व होगा तो लॉ एंड ऑर्डर और ज्यूडिशियरी का डेवलपमेंट होगा।
शुरुआत में राजा ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ज्यूडिशियरी सब हो गया है ना, लेकिन समाज में दो वर्ग जो हुआ, ब्राह्मण हुए, इन्होंने कहा कि हम नंबर वन है, और दूसरे क्षत्रिय हुए। ये दो ही वर्ग ऋग्वेदिक काल के शुरुआत में कहे जाते हैं कि एक यज्ञ करवाने वाले और एक लड़ने वाले लोग भारत में आए, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर ये दो नॉन प्रोडक्टिव क्लास है, गैर उत्पादक वर्ग है ना। ब्राह्मण जो शब्द है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, हम केवल जाति नहीं, ब्राह्मण का अर्थ है मैजिकल पावर ऑफ द प्रिस्ट है ना, बाय विच ही इनवाइट्स द गॉड्स ऑन द अर्थ। ये पुरोहितों की जादुई शक्ति है जिसके द्वारा वो देवताओं को पृथ्वी पर आह्वान करते हैं। आज भी घर पर पंडित जी पूजा करवाते हैं तो ओम गणेशाय नमः, गणेश जी का मूर्ति सब चीज का करेंगे, या यज्ञ होगा तो आप देखिएगा पहले ही सब होता है, अग्नि का आह्वान होगा, ऐसे नहीं गैस सलाई बांट दी और हो गया। जहां पूजा होगा पुरोहित बाजाबता मंत्र पढ़ेंगे और विभिन्न देवताओं का आह्वान करेंगे। रिचुअल्स का उस जमाने में अर्थ था कि इसके हर जमाने में आप मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, धर्म का लगभग वही है। तो हर पीरियड में कैसे करेंगे ये अलग अलग समय में अलग अलग रहा। तो उस पीरियड में जब हम यज्ञ करेंगे तो पुरोहित जैसे पंडित जी आपको आज भी पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है, तो पंडित जी जो शुरुआती भाषण देंगे उसमें होता है ना कि अमुक आदमी पिता का नाम ये, बाबा का नाम ये, भारत खंड बिहार राज्य पटना शहरे बोरिंग रोड मोहल्ले, इतना सब बोलते, फुल एड्रेस बोलते हैं। आज भी पूजा करवाइएगा तो पंडित जी फुल एड्रेस बोलेंगे ना, और तब ये होता है भगवान को कहा जाता है कि यही अदविया है जिसका नाम ये है, गोत्र ये है, बाबू का नाम ये है, दादा का नाम ये है ना। ये क्यों होता है, ताकि आप यज्ञ करवा रहे हैं, आप किसी इच्छित फल प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, तो भगवान को इन्फॉर्म किया जाए कि भगवान इसी आदमी को है ना। फिर अग्नि में अर्घ दिया जाता है, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अग्नि को, अग्नि कुंड जो होता है अग्नि का मुंह कहलाता है, तो आपने कहा कि ओम श्री गणेशाय स्वाहा, दैट मीन इन रिलीजियस टर्म्स कि दैट अर्घ हैज बीन ऑफर्ड टू गणेशा जी। अब इतना सारा एड्रेस बताया हुआ है तो अग्नि देवता गणेश देवता को खबर करेंगे कि देखिए अमुक आदमी ने आपके लिए अर्घ दिया है, एंड ही हैज दिस चार्टर ऑफ डिमांड, वो आपसे भगवान से ये मांग रहा है ना। तो दिस इज द बिलीफ सिस्टम। तो रिलीजन इज बेसिकली अ बिलीफ सिस्टम, आप मानिए या न मानिए आपकी इच्छा है। लेकिन समाज में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इच्छा और डर, इस दोनों का समाधान धर्म लाता है। तो उसकी अपनी यूटिलिटी है ना, इसी तरह से कोई सरवाइव नहीं करता है तो वो सरवाइव किया, लेकिन इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि इससे आपको फायदा होगा। तो ब्राह्मण ने लोगों से कहा कि क्षत्रिय ही राजा होंगे, तो क्षत्रियों के लिए बैकग्राउंड ब्राह्मणों ने बनाया, क्षत्रिय का बैकग्राउंड मजबूत हुआ और राजा हुआ, और उसने कर वसूला है ना, क्षत्रियों ने कर वसूला, तो पंडित जी का काम कैसे चलेगा। तो जो रिचुअल्स आए उन रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे ब्राह्मण, तो उसके लिए इनको चाहिए दान, उनका भी फीस है, और ब्राह्मणों के द्वारा किए गए रिचुअल से आपका कल्याण होगा,
फिर पंडित जी जब रिचुअल्स होता है तो आप देखिएगा कि जगत के कल्याण की भी वर्ड्स बोलेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये सब चीज इवॉल्व किया समाज का, देश का, राज्य का, सभी जातियों का, नहीं जगत का कल्याण हो, तो वह आपके लिए वेलफेयर का आह्वान करें। तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू पे हिम दान। तो इसीलिए कर और दान एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजा को कर मिले, बैकग्राउंड वाज क्रिएटेड बाय द ब्राह्मिन्स, और ब्राह्मणों को दान मिले सपोर्टेड बाय द आर्य क्षत्रिय। तो रेसिप्रोकल रहा, दोनों आपस में लड़े लेकिन जब हित हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। देखिए किस तरह से कौन चीज कैसे डेवलप करता, ये ऐसा नहीं है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है या सीधे एयर ड्रॉपिंग है। हर सिस्टम का अपना, आज जब लोग बोलते हैं कहते हैं उसका आधार यही सब है। जब सिस्टम बना रहा तभी आप बोलने के लायक बने हुए हैं, है ना। और एवरीथिंग हैज देयर ओन मीनिंग, ओन परफॉर्मेंस, ओन यूटिलिटी, और सभी चीजों ने अपने अपने समय में अपना योगदान दिया। स्वाभाविक है कि एक चीज जो एक समय रहता है अगले समय में आउटडेटेड होता है ना। यहां भी हुआ, रिचुअल्स आउटडेटेड हुए, यज्ञ आउटडेटेड हुए, बौद्ध धर्म जैन धर्म आया क्योंकि अर्बन इकोनॉमी आ गई, बाद में ब्राह्मण धर्म में भी भागवत और वैष्णव आ गए जहां यज्ञ का कोई बात ही नहीं है। तो सभी चीज समय के हिसाब से बदलती है और आज भी बदल रहा है। तो बदलाव तो हर युग में हुआ है, तो इसके लिए आप पीछे वाले को केवल गाली देंगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो हमारे देश के इतिहास में हमेशा से क्या बात रहा है, हमारे देश के इतिहास में किसी भी आने वाले ने यहां पहले से रह रहे लोगों का एलिमिनेशन नहीं किया है। आज अमेरिका में इंडिजेनस लोग 2% भी नहीं बचे। पूरा साउथ अमेरिका में वहां के मूल निवासी 1-2% भी नहीं बचे, जो मूल निवासी की बात होती है। और ऑस्ट्रेलेशिया में भी 1-2% ही मूल निवासी बचे। लेकिन भारत के पूरे इतिहास में कभी भी जो भी बाहर से आए राज किए, दे डिड नॉट एलिमिनेट, लेकिन अपने में असिमिलेट और एब्जॉर्ब करने का प्रयास किया। इसी कारण हमारे देश में जातियों की संख्या बढ़ी, जो जब असिमिलेटेड हुआ ब्राह्मणों ने उन्हें एक गोत्र का नाम दिया और एक जाति का नाम दिया। Therefore, number of caste increased in India rapidly in the post-Mauryan period up to Gupta period. जाति का प्रोलिफरेशन हुआ, विस्तारीकरण हुआ जब नए नए समूह हमारे समाज में शामिल हुए। तो इसीलिए वर्ण व्यवस्था इररिलेवेंट हो गया आगे चलकर, ये चतुर्वर्ण का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए जो भी टर्म डेवलप हुआ, जो भी शब्द आया है, इस सब का ऐतिहासिक महत्व है। समझने के बाद ही कोई मतलब समझ में आएगा किसी को, केवल इसी तरह से आलोचना करने से नहीं होता। इसका भी अपना महत्व है। जो भी होता है आता है वो अपने पकड़ को मजबूत करना चाहता है। सत्ता में बने रहना ही सबका एक लक्ष्य होता है। आज कैसे लोग कोई जाति की राजनीति करता है, कोई धर्म का राजनीति करता है, कोई जाति गणना करवाता है, ये सब क्या है, सत्ता में बने रहने का प्रयास है। तो आज जब डेमोक्रेसी है तब तो सारे कर्म कुकर्म आप कर रहे हैं। लक्ष्य केवल क्या है कि सत्ता में बने रहना है। तो हर युग में जो रूलिंग एलिट रहेगा वो अपने सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करेगा ही। आज आप वोट खरीदते हैं वो रिचुअल से जनता को मुख्य बनाएंगे, आज आप मुख्य बनाते हैं।
है ना, आप अमेरिका तो नहीं बना दिए देश को। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, है ना, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और रीति रिवाज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गए, है ना। यह ब्राह्मणों के द्वारा पूरे समाज पर अपने पकड़ को मजबूत बनाने का उपाय था। अब जो उत्तर वैदिक काल में जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होंगे उसमें ब्राह्मणों की अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ द ब्राह्मण सिस्टम भी होगा कि ब्राह्मणों के बिना कोई पूजा पाठ नहीं होगा। आज छोटा भी पूजा करवाइएगा तो पंडित जी को लाइएगा, पंडित जी झूठ साँच भी बोलेंगे, आपको संतुष्टि होगा कि पंडित जी ने पूजा करवाया। दूसरे जाति का आदमी अगर कितनों विद्वान होगा, पूजा करवाया बुलाएंगे, कुछ गड़बड़ हो सकता है, हमने पंडित जी को नहीं बुलाया, है ना। ये एक आपके साइकोलॉजी में आ गया, आप डिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं समय कि हाँ भाई अमुक आदमी पढ़ा है वो भी पुरोहितगिरी करेगा। लेकिन जो लार्जर कंटेक्स्ट है, आप किसी को समझा लीजिए कि नहीं पंडित जी को नहीं बुलाना। यह उत्तर वैदिक काल से एस्टेब्लिश हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद एस्टेब्लिश हुआ कि ब्राह्मण धार्मिक रीति रिवाजों के लिए अपरिहार्य है। तो पुरोहितगिरी जो है दैट बिकेम द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, देयरफॉर दान वाज अटैच्ड टू देम, कि दान उनके आजीविका का आधार हुआ। आगे 16 संस्कार हुआ, 16 संस्कार में कोनो संस्कार चारों पांच को कीजिएगा तो उनको बुलाइएगा तो उनको दान मिलेगा, उनका भोजन पानी चलेगा। तो इतिहास में दो वर्ग क्षत्रिय और ब्राह्मण गैर उत्पादक वर्ग के रूप में डेवलप, है ना। और इन्हीं क्षत्रियों से ही आगे चलकर वैश्य हुए, विश्व जनता को कहा, जो खेती करने लगा वो वैश्य हो गया, जो युद्ध और शासन में रहा वो क्षत्रिय रह गया। अच्छा चलिए, लेकिन अभी कोई क्या विरोध करेगा, जब ब्राह्मण ग्रंथ हुए तो स्वाभाविक है कि लालच बढ़ता है। जब आपको कुछ मिलता है तो आज नहीं है, आप चप्पल पहन के मुखिया बनते हैं और 2 महीने में स्कॉर्पियो चलाते हैं। विधायक और एमपी एमएलए मंत्री और संतरी को छोड़ दीजिए, तो लालच तो बढ़ेगा। तो दान का दान और हर मुद्दे पर दान, धीरे धीरे इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी की तरफ जाने लगी, अर्बन इकोनॉमी आया, तो लोग कमा रहा है, उसके बाद दान में सब चल गया। वो ब्याह किए, वो श्राद्ध किए, कुछों किए, जो जमा किए हुए हैं सब कुछ चला गया। राजा अश्वमेध यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, जमा हुआ पैसा सारा दान में चला गया। अब कहे कि जो सबसे अच्छा दान देगा वही बहुत बढ़िया राजा। हरिश्चंद्र की कहानी दान के सिस्टम को ग्लोरीफाई करने की कहानी, कि जो दान देते देते सड़क पर आ गए। तो इस तरह की कहानियों को ग्लोरीफाई किया गया ताकि दान देना हर आदमी समझे कि दान देना ही चाहिए। लेकिन जब इसका एक्सेस हुआ तो विरोध शुरू। तो ब्राह्मणों का ही तीसरा ग्रंथ है आरण्यक। आरण्य ग्रंथ का मतलब हुआ, आरण्य का मतलब होता है जंगल, द बुक्स विच वेयर कंपोज इन द फॉरेस्ट। अब सवाल है कि उस समय तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं था, आज की तरह नहीं था कि रोड पर चलना मुश्किल है। तो आखिर में उस पीरियड में जंगल में ग्रंथ जाकर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, स्वाभाविक है, क्यों आरण्य में गया, या तो पूरे पटना जिले में 2-4-5-10 हजार आदमी नहीं रहा होगा। इवन देन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम यू शिफ्टेड टू द फॉरेस्ट। यहां क्या हुआ कि अब पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग आया जो एहसास किया कि ये जो रिचुअल्स है ये उचित नहीं है, इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।
लेकिन जब विरोध करने वाले 5 को 10 को रहेगा और समर्थन करने वाले 90 को रहेंगे तो आपको पीट पाट के ठीक कर देंगे। तो पिटाने से तो अच्छा है ना कि उधर जाके कुछ हम बोलेंगे। तो आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ और बलि का प्रश्रय नहीं है, दे आर नॉट एडवोकेटिंग यज्ञ एंड सैक्रिफाइस। वो कहते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा चीज है, ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज इज द बेस्ट थिंग, है ना। तो नॉलेज की बात पर आ गए, ये ग्रंथ भी ब्राह्मणों ने लिखा, ये ग्रंथ कोई और नहीं लिख रहे हैं। तो सर्टेन पर्सन एमंग द ब्राह्मिंस दे रियलाइज्ड कि दोज रिचुअल्स हैव बिकम इररिलेवेंट, आउटडेटेड, दे नीड सम चेंजेस। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की बात करो, अब यज्ञ बलि बंद करो। यज्ञ बलि के एकदम खिलाफ नहीं उस अरण्य में है, लेकिन कहा कि ज्ञान की बात करो। ये शिफ्ट हो गया, अपने आप शिफ्ट कर रहा है। तीसरा ग्रंथ है उपनिषद, मतलब चौथा ग्रंथ उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर गूढ़ विषयों पर विचार विमर्श करना, मतलब कोई दूसरा सुन न ले। तो इट इज अ फिलोसफी। उपनिषद आर्यों के प्रथम दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल ग्रंथ है। इसमें आत्मा परमात्मा का जिक्र होने लगा, जन्म और पुनर्जन्म की बात होने लगी। अब बताइए कि जन्म और पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा पहले क्यों नहीं बतियाए लोग? फिलोसफी मींस लाइफ बियॉन्ड डेथ, कि मृत्यु के बाद क्या जीवन है। तो मृत्यु के बाद जीवन सोचने का कब मौका मिलेगा? जब ये जीवन ठीक है, जब पेट भरा रहेगा तभी कुछ आगे का बात सोचिएगा। जिस पीरियड में अपने भोजन की समस्याओं का समाधान नहीं था उस पीरियड में यू कैन नॉट थिंक लाइफ बियॉन्ड डेथ। अभी तक जिंदगी कैसे चलेगा यही सोच रहा था। तो हमारा स्टेबल लाइवलीहुड का सोर्स क्या हुआ? यू हैड टू डिसेंड। अब इसी में क्या हुआ कि कोई आदमी खा पी के सोया हुआ है ठंडे हवा में पेड़ के नीचे, तब तक हल्ला हुआ कि अरे वो तो मर गया। तो और आदमी बोले चलो उठाओ ले चलो। उसी में कोई आदमी होगा जो बैठ के सोचा कि क्या हो गया इसको, ये तो लग रहा हमसे बतियाया था कि इतना लंबा छोरा आदमी है, इसको कोई छूता था तो मारने दौड़ता था, पटक के इसको सब बांध रहा है, पिट रहा, कुछ न हो रहा है, हाथ पैर है ये है, मुंह नाक है ये है, आखिर इसके शरीर से गायब क्या हुआ? अब कोई आदमी सोचने लगा बैठकर, उसको भोजन मिल ही रहा है, भोजन का चिंता नहीं। सोचते 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 सोचा, तभी देखा कि उधर वो घर में बच्चा पैदा हो गया, ये 5 फीट और 6 फीट का आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, उधर 1 फीटा बच्चा तहलका मचा हुए रोके। तो उसको लगा कि अरे ये शांत हुआ और वो तहलका मचा रहे, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस एंड दैट? तो क्या इसकी जो शक्ति गायब हुई वो उसमें चल गई का? तो आत्मा का पुनर्जन्म हुआ का? ये करता कौन है? परमात्मा करता है। और उस पर फिलॉसफी डेवलप हो तो सीधे उपनिषद जो है ब्राह्मणों के एंटी क्लॉक है, ब्राह्मण ग्रंथ का, जहां ब्राह्मण ग्रंथ में केवल यज्ञ और बलि है। कौन यज्ञ कब होगा, किस महीने में होगा, किस दिन में होगा, उसमें होगा, माघ में होगा, द्वादशी को होगा, एकादशी को होगा, पूर्णिमा को होगा कि अमावस्या को होगा, कितना मंत्र जपाएगा, कितना कुंची लगेगा, यहां कहा जाता है कि ज्ञान और ध्यान यही जीवन का नैया पार लगाएगा। नो रिचुअल्स,
नो यज्ञ नो सैक्रिफाइस। कहा गया कल भी बताया था कि यज्ञ और बलि में विश्वास करने वाले मूढ़ हैं। उपनिषदों में कहा गया तो मूढ़ मूर्ख का भी कई कदम आगे होता है ना। मूर्ख को समझा लीजिएगा, मूर्ख को नहीं समझा सकते, मूर्ख को नहीं समझाइएगा। कहा गया कि यज्ञ और बलि के माध्यम से जो भव सागर पार करना चाहते हैं वो वैसे ही है जैसे कोई फूटी नाव से नदी पार करना चाहता है, तो फूटी नाव में बीच में डूब जाइएगा। यानी ये ग्रंथ ब्राह्मणों के ही ग्रंथ है, ब्राह्मणों ने ही लिखे उपनिषद भी, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ के सीधे उल्टा है। तो इन लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि समय बदल गया है, बदल जाओ। तो ये रिफॉर्म फ्रॉम विद इन था, लेकिन जब लालच लोभ ज्यादा होता है तो लोग नहीं समझते हैं। जब विद इन रिफॉर्म नहीं हुआ तभी बौद्ध धर्म जैन धर्म और 62 संप्रदायों का विकास हुआ। षड दर्शन 6 फिलोसफीज का विकास हुआ और फ्लड गेट 6 सेंचुरी में टूट गया। जो भी सेक्ट जो भी बिलीफ आया इट वाज एंटी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ सबसे बड़ा जो विद्रोह है वो 6 शताब्दी। बौद्ध धर्म जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म के सारे मूल सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया है ना। और उस समय उसी का डिमांड था इसलिए दे बिकेम वेरी पॉपुलर। और 6 शताब्दी से 2 शताब्दी मौर्यन पीरियड तक ये पूरे भारत में फैल गए। तो जब समय का बदलाव हुआ तो सब कुछ बदल गया है ना। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आज ही लोग बोल रहे हैं। 6 शताब्दी में जितना बोले होंगे लोग उतना भगवान बुद्ध का के किताब का तो पूरा एक किताब है एंटी ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध ने कहा जो बौद्ध धर्म मानते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि क्षत्रिय मानव मात्र में श्रेष्ठ है ना। वैश्य आधारित तो धर्म है क्योंकि उन्होंने नई इकोनॉमिक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है ना, इसीलिए उनमें उनकी पॉपुलैरिटी उन लोगों में सबसे ज्यादा हुई।